नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। काला चना बहुत ही हेल्दी ग्रेन है, हमें इसे अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ काले चने की सूखी सब्जी। आइए देखते हैं काले चने की सूखी सब्जी बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। सूखे काले चने बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होगी। 1 कप काले चने, इन्हें मैंने रात को पानी से धोकर पानी में पूरी रात के लिए भिगो दिया है और अब मैंने इन्हें पानी में से निकाल लिया है। 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून अजवाइन, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ। आइए सूखे काले चने बनाने शुरू करते हैं। सूखे काले चने बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे। कुकर के नीचे गैस ऑन करेंगे, कुकर में ऑयल डाल देंगे। ये चने मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत टेस्टी बनते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम गैस कम कर देंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन भुन चुकी है, अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम काले चने डाल देंगे। एक मिनट के लिए चनों को चलाते हुए सॉटे करेंगे। अब हम चनों में पानी डालेंगे। हम लगभग 1 कप पानी चनों में डालेंगे। चनों में नमक डाल देंगे, नमक को अच्छे से मिला देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर में 1 विसिल आने देंगे। कुकर में 1 विसिल आ चुकी है, अब हम गैस लो कर देते हैं और चनों को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे। उसके बाद भी हम कुकर खोल के देख लेंगे, अगर पूरी तरह से चने सॉफ्ट नहीं होते हैं तो हम उसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देंगे। कुकर में प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। चने सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम कुकर के नीचे गैस ऑन करेंगे और इसमें जो पानी बचा है उसको सुखा देंगे। चनों को हम एक कड़छी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। कुछ ही चनों को हम प्रेस करेंगे, सारे चनों को हम प्रेस नहीं करेंगे, इससे इनमें मसाला अच्छे से लग जाएगा। पानी लगभग सूख चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर कम खट्टा पसंद करते हैं तो कम डालेंगे और ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालेंगे। और आप इसमें मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर डाल दें और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दें। चनों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। काले चनों की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। काले चनों की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप स्नैक की तरह भी खा सकते हैं या रोटी पराठा पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं। काले चने देखने के लिए आपका धन्यवाद।